नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ सावित्री जी हैं, एडवोकेट हैं, जो बहुत अच्छी और बहुजन समाज की बात को बहुत बढ़ चढ़ कर आगे से बोलती हैं। सावित्री जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ सावित्री, अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर बीजेपी और बीजेपी के कहीं ना कहीं वोट बैंक कम हुई है और कांग्रेस बहुत अच्छी जीत के साथ दिखाई दे रही है और बहुजन समाज की जो बीएसपी की है वो भी वोट बैंक अच्छी आई है, तो आप इन सब जीतों को और हारों को कैसे नज़र से देखते हैं वो बताएं। सर, ऐसा है, ये जो कांग्रेस की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है, जो वोट बैंक हमारा बीजेपी की तरफ से एक जो कम हुआ है, बीजेपी का वोट बैंक हमेशा से ही कम था जी। आपको मालूम होगा कि पिछले जब जब बीजेपी आई है तब तक लोगों के पास कुछ काम नहीं रहा, कोई रोज़गार नहीं रहा जी। और पब्लिक जो है, जनता जो है, वो सिर्फ एक बार ही मौका देती है, दोबारा कभी मौका ही नहीं देती है जी। जिस तरह से वो जिस भी आदमी को लाना जानती है वो उतारना भी जानती है, यही चीज़ें हुई हैं पीछे बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस, इसको मैं ही कहना चाहूँगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा जो वो है देखने का नज़रिया, शायद हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं 100% ये कह सकती हूँ अपने माइंड से कि जो ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी लेकर आई है। कारण बीजेपी ये इसने अपना जो मोदी ने दिया है अपना एक कि भाई मैं एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ जी, सिर्फ इसने ये दिया है कि मैं एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ और ईवीएम में कोई घोटाला ना था कभी, ना कभी है, ना कभी रहेगा जी। ये सिर्फ एक ट्रॉफी दी गई है अच्छा। कांग्रेस को जी। ताकि आगे जो अब 2019 का जो चुनाव आ रहा है उसमें ये ईवीएम में पूरी अच्छी तरह से घोटाला करे और ईवीएम को अपने फेवर में करे और चुनाव जीत जाए और जनता के पास ये कहने के लिए ना रहे कि मोदी बेईमान है, बीजेपी बेईमान है। अगर बेईमान होती तो उपचुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाती, ये पब्लिक को भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं जानती है, जानती है पब्लिक, लेकिन आज जो है जो समर्थन हमारा कांग्रेस की तरफ या बहुजन का जो भी जिसकी भी तरफ है, लेकिन मोदी का तो किसी की तरफ नहीं है। इवन मोदी का जो तुम्हारे स्वर्ण लोग भी हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग ऐसा नहीं है स्वर्ण में नहीं है, बहुजन में ही है, स्वर्ण वर्ग भी परेशान है, बट करे क्या, वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपना एक वोट है, वो वोट अपना डाल के आ रहा है, जो जिसको सही लग रहा है वो वहाँ पर उसको डालकर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हो क्या रहा है। ईवीएम में तो घोटाला मोदी जी करेंगे 100% है और वो होना ही होना है। ये तो सिर्फ एक जनता इसको या कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको ये ना समझे कि ये हमारी जीत है, ये सिर्फ एक आपको धोखा दिया गया है जी।